नमस्कार, स्वागत है आप सबका हेल्थ ओपीडी के ब्रॉडकास्ट में। और खास बात यह कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, बहुत साधारण लगता है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। आज हम लोग बात करेंगे पानी पर, कितना पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, सादा पानी पीना चाहिए, या फिर पानी से जुड़े जितने भी सवाल हैं इनके जवाब आज इस शो के अंदर आपको मिलेंगे। और ये तमाम जवाब आपको देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अवधेश पांडे। जी सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर शो। आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अवधेश पांडे सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इनकी जो अप्रोच है बीमारियों को लेकर वो ये है कि किस तरीके से, होलिस्टिक तरीके से किसी भी बीमारी का इलाज किया जाए, उसे जड़ से खत्म किया जाए। जी, आज का हमारा विषय है कि पानी जो है, पानी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, खासकर इधर हाल में एल्कलाइन वाटर को लेकर के काफी बातचीत हो रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ, मेरा पहला सवाल बेहद सिंपल है, यही है कि क्या ये जो हम लोग एल्कलाइन वाटर की बात करते हैं, कई लोग इसे मैजिकल वाटर कहते हैं, अवधेश जी आपका क्या मानना है इस बारे में? एल्कलिनिटी में जीवन पलता है, एसिडिटी में जीवन जलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओशन, एल्कलाइन है, जीवन पलता है उसमें। आपका ब्लड एल्कलाइन है, आपका जीवन पलता है उसमें। अगर थोड़ा भी एसिडिक हो गया ब्लड, जो साइनाइड पॉइजनिंग में होता है, तो जी श्योर शॉर्ट डेथ है, इमीडिएट। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलिनिटी एंड एसिडिटी फॉर यू, फॉर एनीबडी हु इज लिस्निंग दिस। तो कोई भी कोशिश, ब्लड का पीएच करीब करीब 7.2 to 7.4 के बीच में वेरी करता है। अगर 7.2 से नीचे आ गया या 7.4 से बढ़ गया, दोनों घातक है। इसलिए एक बहुत नैरो रेंज में ब्लड का पीएच रहता है जिसमें जीवन पलता है। ऐसा माना जाता है कि जहां पर ब्लड नहीं पहुंचा वहां पर बीमारियां पहुंच गई, जहां पे ब्लड पहुंच गया वहां से बीमारियां हट गई। ऐसा ही देखा जाता है। और चूंकि मैं इमेजिंग में हूं, रेडियोलॉजी का काम करता हूं, तो एक बच्चा जब माँ के पेट में आता है, वहां से लेके जब इंसान की मृत्यु होती है, वहां तक हमारा रोल रहता ही है। तो सभी बीमारियों में, सभी में हमने ये चीज देखा है, जहां पर ब्लड पहुंच गया बीमारियां वहां से चली गई। हाँ, ब्लड का ज्यादा पहुंचना भी कई बार घातक होता है। बट एनीवे, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट नहीं है। जी एब्सोल्यूट इसमें सिर्फ इतना है कि वाटर का pH 7 है, जो टुवर्ड्स द ब्लड बैलेंस करता है, उसको टुवर्ड्स 7.2 बैलेंस करता है। इसीलिए ये जो फैक्ट्री है कॉल्ड बॉडी, इसमें जो भी एक्टिविटी चलती है, जो भी हम, अगर कोई थॉट भी आता है तो वो एसिड बनाता है। हम कोई जी एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। अगर हम कुछ खाते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड बनता है। हम कुछ भी करते हैं, एसिड बनता है। इस एसिड को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस नहीं होगा तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे इमीडिएटली। और वो बैलेंस करता है पानी। तो अब पानी का क्या इंपॉर्टेंस, अब इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस बताया जाए। इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि जितने भी सिविलाइजेशंस, जो पुराने सिविलाइजेशंस हुए हैं, पानी के आसपास ही हुए हैं। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो गंगा वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर का सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मिजौरी मिसिसिपी हो, चाहे वो नाइल का सिविलाइजेशन जैसे इजिप्ट का सिविलाइजेशन है। तो जितने भी सिविलाइजेशंस आप ओल्ड सिविलाइजेशंस देखेंगे, सभी नदियों के किनारे बने थे। पानी का कितना इंपॉर्टेंस है, इतिहास भी इस बात का गवाह है। जी बिल्कुल अवधेश जी, दूसरा आपकी जी सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा हमारा जो पानी के साथ, आप देखिए, हमारे जितने भी भारतीय रीति रिवाज हैं, पानी के आसपास ही घूमते हैं। जी हम जल बिल्कुल की पूजा करते हैं, जैसे छठ पूजा होती है, वो जल
और सूर्य देव की पूजा है। तो कायदे से देखा जाए तो ये जलवायु पे ही डिपेंड करता है। जल एंड वायु इन सो मेनी वर्ड्स। लोग बोलते हैं ना, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? जी हम अपना जलवायु बदलने जा रहे हैं। जल एंड वायु इन सो मेनी वर्ड्स। जी जी ये तो आपने बताई कि किस तरीके से हम इतिहास से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑफ कोर्स आप भी मेडिकल एक्सपर्ट हैं और ये हमारा प्लेटफॉर्म है कि मेडिकल से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं या जो भी चीजें हैं सही जानकारी देने का, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको आज की तारीख में अगर हम लोग इसे मेडिकल से कनेक्ट करें, बीमारियों से कनेक्ट करें या सेहत से कनेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप उस तरीके से अगर समझाएं हमारे दर्शकों को कि पानी का अल्कलाइन होने का मतलब क्या है और वो किस तरीके से हमारी सेहत को बेहतर करता है। जी, तो अब मैंने आपको बताया ये बॉडी जो है हमेशा एसिड बेस बैलेंस में लगी रहती है। अगर हम कोई हाईली एसिडिक चीज बॉडी को दे रहे हैं बार बार, जैसे जी कोल्ड ड्रिंक 4.5 pH है उसका, बार बार अगर उसका सेवन करें तो बैलेंस एसिडिटी के तरफ जाता है। उसको एल्कलाइन करने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। हमें प्रोटॉन पंप को जागृत करना पड़ता है ताकि हम बैलेंस बना पाए उसका। और हम अगर बार बार ये करते हैं तो एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और डिजीज रिजल्ट्स। मैं आपको एसिड बेस बैलेंस का, इसका कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में या किसी भी डिजीज में, मैं आपको समझाता हूं। बॉडी क्या करती है, हर हर बार 7.2 pH के तरफ ग्रेविटेट करती है। दैट इज अ बेसिक पीएच। तो कोई भी चीज आप अगर ले रहे हैं, अगर 6.9 भी है तो 4.5 से तो काफी अच्छा है, ऑल्दो अभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में एसिडिक है, लेकिन 4.5 से तो बहुत अच्छा है। और प्लीज, ये पीएच लीनियर स्केल नहीं है, ये लॉगरिथमिक स्केल है। अगर एक पीएच का वेरिएशन है तो × 10 times हो गया, तो 4 से 7 तक 1000 times। द डिफरेंस इज 1000, 10 × 10 × 10, विच मीन्स एक कोल्ड ड्रिंक के पीछे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1000 glasses ऑफ वाटर चाहिए, तब जाके वो न्यूट्रल होगा, एक कोल्ड ड्रिंक। मेरे जी कहने का मतलब समझिए, ये इंपॉर्टेंस है बॉडी का। तो बॉडी क्या करती है, बहुत दिन तक झेलती है, एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंचती है। उसके बाद, जब उसके बाद भी हम एसिड, जैसे हम अगर कुक्ड फूड खा रहे हैं दैट इज एसिडिक फूड, क्योंकि उसका पीएच कम होता है। अगर हम रॉ फूड खा रहे हैं तो वो एल्कलाइन फूड इसलिए माना जाता है कि उससे कुक्ड फूड के कंपैरिजन में रॉ फूड का पीएच, इट ग्रेविटेट्स टूवर्ड्स वॉटर। अगर 6.5 भी है, 6.8 भी है, तो इट इज टूवर्ड्स एल्कलिनिटी रादर देन टूवर्ड्स एसिडिटी। तो हम बॉडी का पीएच बैलेंस कर लेते हैं। जब ये पीएच बैलेंस नहीं हो पाता है तो बॉडी क्या करती है, इस एसिड को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं फेंक देती है। अगर गॉल ब्लैडर में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, अगर किडनी में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, अगर ब्रेस्ट में फेंक दिया तो लंप बन गया, उस लंप में एंजियोजेनेसिस हो गया तो कैंसर की संभावना बन गई। सो जी दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी एंड द कॉन्स्टेंट एंडेवर ऑफ द बॉडी टू बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। इन सब में वॉटर का पीएच 7 माना गया है, और 7 है भी, लेकिन आज के दौर में जो पानी हम मिनरल वाटर बोल के पीते हैं या फिर आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का मतलब है डीमिनरलाइज्ड वाटर, जिस वाटर में से सारे मिनरल्स निकाल दिए गए हैं और फिर भी हम मिनरल वाटर बोल के पीते हैं उसको, और वो लाइव नॉर्मली आप देखें, हम कभी भी इतना ज्यादा धरती से जुदा हुए लोग नहीं थे। हम
नदियों के पानी वैसे पी लेते थे, तो क्या वो ठीक था? क्या ये ठीक नहीं है? बात यह है कि सिर्फ पीएच की बात नहीं है। आप अगर एल्कलाइन, तो आजकल एक मशीन भी आती है जो पानी को एल्कलाइन बना देती है, क्या वो ठीक है? ये आपका, मैं जानता हूं ये दूसरा क्वेश्चन होगा। और क्या हम जो, क्या हम जो चीजें जैसे नींबू और ये खीरा या कुछ पत्ते, अदरक, आंवला उसमें डालते हैं, तो जो पीएच 7.2 के आसपास आता है, क्या वो बेहतर है या मशीन वाला एल्कलाइन वाटर बेहतर है? ये सोचने ऐसी बात है। जो आप चीजें डाल के बनाते हैं वो लाइव वाटर है, हमेशा याद रखें। इट इज रिच विथ माइक्रोबायोम, सो इट इज नॉट ओनली वाटर, इट इज लाइव वाटर। जो मशीन बनाती है वो वैसे भी लाइव वाटर नहीं है, उसमें से बैक्टीरिया वगैरह सब निकाल लिए गए हैं। और गॉन आर दोज डेज जहां पर ऐसा लगता था कि बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज। अगर बैक्टीरिया ना हो तो आप ना हो। इसलिए देर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रोबायोम, जिसमें लाइव वाटर हेल्प करता है ज्यादा, रादर देन अ पीएच बैलेंस्ड वो, अ पीएच बैलेंस्ड वाटर। इसलिए वो पानी ज्यादा मैजिकल है और ज्यादा अच्छा है एज फार एज पीपल आर कंसर्न और उनका कंजम्पशन इज कंसर्न। और वैसे भी जो आरओ के पानी ये निकलते, वैसे भी मिनरल्स मिनरल्स नहीं होते हैं। अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं उसमें, ये धरती से उगी हुई चीजें हैं और धरती पर्याप्त है मिनरल्स में। देर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ एनी मिनरल इन मदर अर्थ, नो डेफिशिएंसी एट ऑल। है कि आपने जो भी बताया कि किस तरीके से आरओ का जो पानी का कंजप्शन है वो खासकर शहरों में, बड़े शहरों में, इवन छोटे शहरों में, यहाँ तक कि अब गाँव में भी आरओ के पानी का इस्तेमाल होने लगा है। तो जब हम ये मानते हैं कि एक तरीके से उसमें सारे मिनरल्स जो है वो निकाल दिए जाते हैं, तो कैसे पता करें कि हम ये मिनरल है या नहीं है, या कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट के, अपने पानी के अंदर? सॉरी जी, अगर आरओ का पानी है तो यकीन करके चलें ये सारे मिनरल्स निकाल दिए गए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आरओ पानी पीने के लिए नहीं निकला था, आरओ निकला था डायलिसिस के लिए। जो डायलिसिस का पानी है, जिन जिन जो लोग डायलिसिस जो यूनिट्स चलाते हैं वो जानते हैं कि वो जो एफ्लुएंट वाटर है वो गार्डन में नहीं, वो गार्डन में छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि घास जल जाएगा, ग्रीन ग्रास ब्राउन हो जाएगा। उसको जिस चीज में छोड़ा जाता है वो भी धीरे धीरे गल जाता है और हम वो पानी पी रहे हैं। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं कि ये बात कभी उठी ही नहीं। इसलिए बेहतर है कि इस पानी को मिनरलाइज किया जाए, और मिनरलाइज करने के लिए जो नेचुरल चीजें डाली जाती हैं पानी में उसको एल्कलाइन बनाने के लिए, जैसे खीरा हो गया, उसके कवर समेत, छिलके समेत खीरा डाल दिया गया छिलके समेत, और पत्ते हो गए, अदरक हो गया, नींबू हो गया, ये छिलके समेत, मिर्ची हो गई, मिर्ची डंठल वाली। डंठल वाली क्यों? क्योंकि जितना माइक्रोबायोम है वो डंठल में ही होता है, जो हम यूजुअली निकाल देते हैं। तो इट इज अ लाइव वाटर एंड माइक्रोबायोम रिच वाटर विद ऑल मिनरल्स दैट यू कैन इमेजिन, बिकॉज ये जो चीजें आपने डाली हैं ये डायरेक्टली अर्थ से आई हैं, एंड दिस इज रिच इन ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स जो नॉर्मली निकल गई हैं। सो इट्स अ गुड आइडिया कि पानी को पहले आरओ से साफ किया जाए, उसके बाद ये मिनरल्स एड किए जाए इन चीजों के मार्फत, और फिर कंज्यूम किया जाए, तो दैट इज मिनरल वाटर एंड दैट इज रिच इन माइक्रोबायोम, सो इट इज लाइव वाटर ऑल्सो, और ज्यादातर बीमारियों में बहुत कारगर होगा। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। अगर ये पानी जो मैं आपको जैसे बताया, आजकल तो सबके पास एक सेल फोन है, एक सेल्फी ले लें, 7 दिन तक ये पानी पिए, फिर से एक सेल्फी ले लें, अपनी शक्ल खुद ही कंपेयर कर लें, तो पता चल जाएगा कि एंटी एजिंग कैसे होता है। एंटी एजिंग वाटर है ये,
जितने रिंकल्स हैं निकल जाएंगे, बिकॉज रिंकल्स आर व्हाट, एसिड एक्यूमुलेशन है ये। जी ठीक है, तो इस पे हम लोग हाँ आराम से बात करेंगे, क्योंकि आपने जो कहा कि जितने रिंकल से निकल जाएंगे, ये थोड़ा सा लगता है कि मतलब एग्जेजरेटेड लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उम्र के साथ आता है कि हम स्लो कर सकते हैं शायद रफ्तार को, लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं। जी ऐसा मेरा मानना है, लेकिन हम लोग इस विषय पे बाद में बात करेंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि जो कि कंट्रोवर्सी भी है एल्कलाइन वाटर को लेकर, तो स्टडीज हुई हैं बहुत जगह पे, स्टडीज हुई हैं, लेकिन कहीं भी शायद अभी तक ये चीज मतलब खुल के नहीं आई कि वाकई ही ये इस बीमारी में असरदार है, इसमें नहीं है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, क्या फिर ये नुकसान किसी को पहुंचा सकता है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत ज्यादा एल्कलिनिटी, मैंने आपको बताया ब्लड का एक रेंज है 7.2 to 7.4, 7.2 के नीचे तो बॉडी टॉलरेट कर लेगी, लेकिन 7.4 के आप बियॉन्ड घातक भी हो सकता है, दोनों घातक है। तो एक बहुत थिन बैलेंस में चलना पड़ता है, और जितना आप पानी को टुवर्ड 7 करते जाएंगे उतना आप सहायक होंगे बॉडी को हेल्प करने के लिए, नहीं तो एनर्जी लॉस होता है। तो जितना ज्यादा आप ये मिनरल्स ऐड करते जाएंगे और नेचुरल चीजें ऐड करते जाएंगे, ये वाटर का पीएच ग्रेविटेट्स टुवर्ड 7, 7.2, 7.3 के आसपास ग्रेविटेट करता है, विच इज गुड फॉर हेल्थ, और बॉडी को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसके एसिड को बफर करने के लिए। नहीं तो अगर एसिडिक पानी आप पी रहे हैं तो दांतों से कैल्शियम और बोन से कैल्शियम निकलेगा उसको बफर करने के लिए। तो रादर देन गेनिंग मिनरल्स, यू आर लूजिंग मिनरल्स बिकॉज ऑफ द एसिडिटी। द बॉडी कैनॉट टॉलरेट लॉट ऑफ पीएच डिसबैलेंस, तो वो इमीडिएटली कैल्शियम भेजती है उसको बफर करने के लिए। जी तो ये होता है, इसलिए अल्कलाइन वाटर सेहत के लिए अच्छा है। जी लेकिन यहाँ पर भी फिर वही सवाल आता है कि हम लोग ये मेजर कैसे कर सकते हैं कि एल्कलाइन वाटर कितना पीना है, क्या पूरा दिन भर जितना हमें पानी कंज्यूम कर रहा है वो एल्कलाइन वाटर ही होना चाहिए, या फिर हम रात में तैयार करें और सुबह उठकर जिस सबसे पहले पानी पीते हैं वो एल्कलाइन होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग इसको एक बैलेंस बना सकते हैं? इट्स अ गुड आइडिया कि आप एल्कलाइन वाटर, वैसे जो जो मैंने आपको बताया लाइव वाटर, वो आप बना लें, और पूरे दिन में आप जो भी पानी कंज्यूम कर रहे हैं अगर 1/5 एल्कलाइन वाटर हो, जैसे हम बनाएं, तो चीजें ठीक ठीक चलेंगी, ठीक चलती रहेंगी, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। वी आर ट्राइंग टू डू स्टडीज टू एक्चुअली प्रूव दिस जो मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली वी हैव नॉट येट प्रूवन इट। जी अवधेश जी, डॉक्टर अवधेश जी, एल्कलाइन वाटर पे काफी बात हुई है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं इससे लग रहा है कि किस तरीके से एसिडिटी जो होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, जिस तरह एसिडिटी किस तरीके से हमारी बॉडी को डैमेज करता है, ये चीज हमारी समझ में आ गई। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पानी अपने आप में लाइफ लाइन है और पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, तो पानी, अगर हम सिंपल साधारण पानी की बात करें, उसे लेकर भी बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे कंफ्यूजन है लोगों के मन में। तो पहला तो ये कि अगर हम लोग कहें कि किसको कितना पानी पीना चाहिए दिन में, क्या इसका कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है दैट 1 लीटर फॉर एवरी 15 kg वेट, अगर ये फॉर्मूला रखा जाए, तो जैसे कोई 60 किलो का है तो 4 लीटर पानी ऑन एन एवरेज ठीक पानी माना जाएगा। तो 1 लीटर पर 15 kg बॉडी वेट एक ठीक फॉर्मूला है, जो डूएबल भी है और चीजें बैलेंस में चलती रहेंगी। जी यहाँ बात पानी की हो रही है, फिर पानी के साथ हम जो टोटल लिक्विड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं? आप टोटल लिक्विड की भी बात ये ले सकती हैं, टोटल लिक्विड्स आपने जो भी लिया, वैसे जूस को जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जूस कॉन्सेंट्रेटेड फूड है, उसको बिल्कुल पानी के तौर पे ना लिया जाना चाहिए, दैट्स कॉन्सेंट्रेटेड फूड।
और वो इमीडिएटली एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। अगर वही जूस आप देखिए ना, आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं, गन्ना इतना आप खाएं तो आप एनर्जी ज्यादा स्पेंड करेंगे, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा, लेकिन आप अगर गन्ने का जूस पी लें, दैट इज प्रोसेस्ड फूड। तो कोई भी जूस इज प्रोसेस्ड फूड, उसको प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी में ही रखना चाहिए, पानी की कैटेगरी में नहीं, में नहीं रखना चाहिए। जी जी चाय को भी इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, चाय के लिए तो उल्टा माना जाता है कि अगर आप एक कप चाय पी रहे हैं तो आपको कम से कम डबल उसका पानी पीना चाहिए, तब जाके उसका बैलेंस होगा। जी अब दूसरा सवाल ये है अवधेश जी, संभवत जी मुझे लगता है आप बीच बीच में कहीं और बिजी हो जाते हैं तो मैं फिर आपका ध्यान यहाँ पर लेकर आती हूँ। नहीं मैं जी आपके यहाँ से जो चिड़ियों की आवाज आ रही है बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको सुनना। जी पानी के हम लोगों ने बात की कि पानी कितना होना चाहिए और एक एवरेज एक फॉर्मूला निकाल कर आपने दिया है, बताया है यहाँ पर। अब कई लोग कहते हैं कि पानी जो है साधारण सिंपल जो नॉर्मली नल का पानी आपका आता है वो पीना चाहिए। गर्मियों में बात करते हैं तो लोग मटके के पानी की बात करते हैं कि फ्रिज मटके का पानी पीना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि गुनगुना पानी पीना चाहिए, लोग चाइना का उदाहरण देते हैं, बाकी चीजें बात करते हैं। अब मेरा बिल्कुल यही सवाल है कि पानी जो है साधारण सिंपल वो पीना चाहिए या फिर उसे हल्का गुनगुना करके पीना चाहिए, और कई लोग तेज गर्म पानी भी पीना प्रेफर करते हैं खासकर सर्दियों में। गर्म पानी इज एनर्जाइज्ड वाटर, उसमें जैसे फिजिक्स का फंडा है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अगर आपने पानी गर्म कर लिया तो आपने उसको एनर्जाइज कर लिया, सो यू आर गेटिंग गेटिंग एनर्जी बाय जस्ट हैविंग हॉट वाटर। अगर आपने ठंडा पानी पी लिया, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्रीज सेंटीग्रेड है, अगर पानी 15 डिग्री का है तो बॉडी से हीट निकलता है उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में लाने के लिए, सो यू आर लूजिंग लूजिंग एनर्जी बाय हैविंग कोल्ड वाटर। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि गुनगुना से थोड़ा सा ज्यादा वार्म पानी पिया जाए, ताकि आपको एनर्जी भी मिलता रहे और पानी के जो बेनिफिट्स हैं वो भी साथ साथ आते रहे। जी पानी से जुड़ा एक बहुत बड़ी मतलब कंफ्यूजन कह सकते हैं या फिर इसके बारे में भी कुछ भी क्लियर नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि पानी को जो है खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, बैठकर पीना चाहिए, तो ये एक्चुअल में मतलब असलियत में ऐसा कुछ है या फिर एक मिथ है ये? नहीं, बिल्कुल सही है, और ये पॉस्चुरल मेडिसिन में आता है। ये आपका पॉस्चर आपकी पूरी लाइफस्टाइल और पूरी बीमारियों को डिफाइन भी करता है। अगर आपने खड़े होके पानी पिया तो पानी का एक अपना वेट है और फोर्स है, ये फोर्स करेगा चीजों को सैग डाउन करने के लिए। अगर कोई उसके साथ साथ अगर कपल्ड है ओबेसिटी, तो हर्निया वगैरह के चांसेस बन जाते हैं उसमें। अगर आदमी बैठ के पिए तो ग्रेविटी को एनल कर देता है, तो कम से कम जो ग्रेविटी से होने वाले जो डैमेजेस हैं, क्योंकि आप वेट डाल रहे हैं अंदर में, और उस वेट को कहीं ना कहीं तो वो वेट निकलेगा अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स आप अगर देखें तो इसलिए बेहतर है कि पानी जमीन पर बैठ के ही पीना चाहिए, चेयर पे भी नहीं। बिकॉज चेयर में तो आपने कन्वीनियंस से कर लिया, ये आपका कन्वीनियंस है। दूसरा ये है कि जब आप जमीन पर बैठते हैं वो जो इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में, और उसमें पानी पीते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है पानी पीने का, क्योंकि ग्रेविटी जो डैमेज कर सकती थी वो आपने एनल कर दिया वैसे। तो इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि बैठ के पानी पीना चाहिए, वो भी जमीन पर बैठ के। जी आज की तारीख में तो ज्यादातर लोगों ने जमीन पर बैठना बंद ही कर दिया है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है सुनने में, लेकिन मुझे लगता है कि चलिए एटलीस्ट खड़े होकर के पीने की जो जो नुकसान हो सकते हैं वो तो आपने हमें यहाँ बताए। ये चीज एक और चीज मैं जानना चाहती थी कि ये बात सिर्फ पानी की हो रही है कि बैठ के पीना चाहिए, या फिर कोई भी चीज हम कंज्यूम करते हैं, कोई खाने में पीने की दूसरी चीजें, तो उनको भी जमीन पर बैठकर या फिर कुर्सी पर बैठकर टेबल पर बैठकर जैसे भी लोग करते हैं वैसे इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ये वेस्टर्नाइजेशन जो है, धीरे धीरे हर कुछ ग्रेविटेट कर रहा है
टुवर्ड्स भारतीयता। भारत के लोग कभी भी जमीन पे ही बैठ के खाना खाते थे और वही बहुत अच्छा तरीका है। वो आपकी आपके जितने मसल्स हैं उसका एक एक्सरसाइज भी है। आपने सुना होगा ज्यादातर लोगों को आजकल आफ्टर द एज ऑफ 50 प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो जाता है। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम इसलिए होता है कि हमने जमीन पर बैठना छोड़ दिया है। हम आजकल वेस्टर्न कमोड्स यूज करते हैं जो हम पहले कम से कम स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाते थे। हम आजकल वेस्टर्न कमोड्स यूज करते हैं जिसके चलते प्रोस्टेट का मसाज नहीं होता है, वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं आती है। ओवरीज में पीसीओडीज क्यों इतने बढ़ गए हैं? क्योंकि हमने पोछा लगाना जमीन पर बैठ के बंद कर दिया है। हम खड़े होके ये करते हैं। ये सभी पॉस्चुरल मेडिसिन के पार्ट्स हैं। मैं आपको बताऊं जी, दिलचस्प है ये विषय भी, संभवतः कभी फिर किसी सेशन में इस पे बात होगी। जी आपने अब एक और चीज है जो जैसे हम लोगों ने कहा कि खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, इससे ही जुड़ा हुआ दूसरा एक और फैक्ट कह सकते हैं, या अगेन मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि फैक्ट है कि मिथ है। मुंह से लोग अक्सर ऐसे मुंह पर उठाकर बॉटल से पानी पीते हैं, आजकल चलन है गाड़ी चलाते हुए दौड़ते हुए, तो इसको भी कहा जाता है कि अक्सर आप ऐसे ऊपर करके पानी पियेंगे तो ये सही नहीं है, प्रॉपर ग्लास में या जो भी बर्तन, अगर इवन आप बॉटल भी इस्तेमाल करते हैं तो उसे भी आप मुंह लगा करके पानी पिए, तो ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे? साइंटिफिक रीजन ये है कि आप कोई भी चीज जो पेट के अंदर जा रहा है अगर सलाइवा से मिक्स होके जाता है तो वो एल्कलाइन हो जाता है, नहीं तो वो एसिडिक रह जाता है। आपने देखा होगा नींबू का पीएच 3.8 या 4 के आसपास है, लेकिन जब एसिडिटी होती है तो इनो जो आप लेती हैं उसमें नींबू है, तो वो क्या एसिडिटी बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? ये सोचने जैसी बात है। तो होता क्या है कि नींबू जैसे टाइलिन से मिक्स करता है वो एल्कलाइन हो जाता है। सो इट एक्ट्स एज एन एंटासिड। पानी के साथ भी यही है, जितना ज्यादा सलाइवा से मिक्स करेगा उतना वो एल्कलाइन होता जाएगा। बॉडी के पास अपने तरीके हैं एल्कलाइन करने के, इसलिए जल्दी में पानी पीना या ऐसे गट से पानी पी जाना ये सही नहीं होता है। जी, बात पानी की हो रही है तो सिंपल सा एक, बहुत बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं या पूछना चाहते हैं कि खाने के साथ, अक्सर बहुत सारे लोगों ने देखा है कि वो खाने के साथ पानी पीते हैं, जिसे कि सही नहीं माना जाता डाइट के हिसाब से। और अगर हम लोग बात करें कि कितनी देर पहले और कितनी देर बाद खाने के पानी का कंजप्शन होना चाहिए, तो मोटा मोटा आई थिंक मुझे लगता है आधे घंटे की बात होती है, लेकिन बेहतर है कि आप इस पर और विस्तार से जानकारी दे सकते हैं। अगर पानी पीना बहुत ये जरूरी है खाने के बाद, तो बिल्कुल खौलता हुआ पानी हो चाय की तरह, वो अच्छा है, नहीं तो आधा घंटा वेट करना अच्छा है। जी, और अगर पहले भी शायद आधे घंटे का अंतर रखा जाए तो बेहतर है, वरना ये तो आई थिंक बहुत सिंपल है, बहुत सारे लोगों को जानकारी, लेकिन फिर भी मैंने खुद से देखा कि बहुत लोग खाने के साथ पानी जरूर लेते हैं, तो शायद जो कि डाइजेशन के लिए सही नहीं है। जी बात पानी की हो रही है तो ये सवाल भी जरूर मन में आएगा कि ज्यादा पानी पीने के भी नुकसान हो सकते हैं क्या? ज्यादा हवा लेने के भी नुकसान होते हैं, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है जो बर्न कर देता है। ऑक्सीजन फेवर्स कंबशन, इसीलिए जो हम एंटीऑक्सीडेंट्स ये लेते हैं जो एक्सेस ऑक्सीजन है उसको ये निकाल देते हैं। पानी के साथ भी ऐसा ही है। बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर यूजुअली सेल्स को डायलेट भी कर देता है और डाइल्यूट भी कर देता है, उसके सॉल्यूट्स को निकाल भी सकता है। तो आपको कुछ डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा पानी पिया जाए तो। बहुत ज्यादा का कोई पैरामीटर हो सकता है क्या? बहुत ज्यादा किसको मानेंगे? एक एवरेज इंडियन के लिए 12 लीटर पानी से ज्यादा ज्यादा पानी माना जाएगा, नहीं तो 10 से 12 लीटर पीने लायक है और पिया जा सकता है। मतलब वो एक्सेस की तरफ हो गया, बट फिर भी 4 to 5 liters तो जरूर पीना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किससे कम पानी पीना चाहिए? किडनी की बीमारी के जो मरीज हैं उनके बारे में तो सब लोग जानते हैं, उसके अलावा और भी कुछ लोग हैं कि जिनको की पानी का कंजप्शन कम करना चाहिए और क्यों? जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं
उनको पानी थोड़ा सा मना किया जाता है क्योंकि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। जो वाटर मेटाबॉलिज्म में उसका वाटर इनटेक अगर ज्यादा है तो वो इडीमा कॉज कर सकती है क्योंकि बॉडी निकाल नहीं पा रही है। जिनका किडनी फंक्शन ठीक है वो पानी ठीक ठाक कंज्यूम कर सकते हैं एंड बॉडी हैज द कैपेसिटी टू टेक आउट। अगर नहीं भी है, शुरू शुरू में नहीं भी होता है तो बॉडी कैपेसिटी डेवलप कर लेती है। जी अवधेश जी, जितने सवाल थे जो मुझे लगा कि पानी से जुड़े हो सकते हैं किसी भी आम आदमी के मन में, और वो सारे सवाल मैंने आपसे उनके जवाब जानने की कोशिश की है, आपने सबका जवाब भी दिया है। फिर भी अगर पानी से जुड़ी कोई अहम जानकारी यहाँ पर रह गई है जो मिस हो गई है, तो मैं चाहूंगी कि वो भी आप जरूर बताएं और आज के हमारे सेशन का टेक होम मैसेज जरूर शेयर करें। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो जो पहले पॉन्ड्स हर गांव में, हर छोटे शहर में एक पॉन्ड होता था। पॉन्ड को लोग यूज करते थे नहाने के पर्पस के लिए, कम्युनिटी बेदिंग के लिए। वो पॉन्ड का महत्व इसलिए था कि उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते थे। मैंने आपको ये बताया, जल में जीवन पलता है। जी वो जल जैसे ही आप लेंगे किसी भी फॉर्म में, अगर स्किन से भी एब्जॉर्ब हुआ तो स्किन भी शाइन करने लगता है। नहीं तो नॉर्मल वाटर, उस पानी को हमने गंदा समझना शुरू कर दिया है जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी आने लगी हैं। जो जो मैं देख रहा हूं, जैसे घड़े के पानी को हम ठीक नहीं मानते हैं, आप यकीन करके चलिए वो अर्थ उस पानी में लगा हुआ है। तो जितने भी डीमिनरलाइज वाटर है आपने मिनरल वापस ऐड कर दिया क्योंकि घड़े में रखा हुआ है और अर्थ में सभी मिनरल्स हैं, तो जी वो बट अब मिनरल हाँ, रिच वाटर हो जाता है। मेरा सवाल है कि क्योंकि आजकल तो जो घड़ा भी जो तैयार होता है वो किस तरीके से पकता है, और वो कई ऊपर से पेंट भी कर दिया जाता है, कई सारी चीजें की जाती हैं उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो वहां पे उसमें कितने मिनरल एक्चुअल में बचते हैं और कितने उसमें पानी में ट्रांसफर होते हैं। नहीं, वो पेंट बाहर से किया जाता है, अंदर से नहीं। जी अंदर क्यों से पेंट यूजुअली ये आया घड़े जाता में पानी ही होता है, उसमें मिट्टी ही होती है। मतलब अंदर से यूजुअली, मैंने तो अभी तक हाँ, तो जब संभव नहीं कहता, लेकिन जैसे पानी ये भी कहा जाता है ना घड़े के बारे में कि एक सीजन के बाद खराब हो जाता है, इसलिए खराब हो जाता है कि इसके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं घड़े के बारे में भी। उसको चार्ज करना पड़ता है, उसको चार्ज कैसे किया जाता है, मिट्टी से ही चार्ज किया जाता है उसको। जी मैं चाहती हूँ कि आज के इस सेशन का, मुझे लगा था बीच में कि शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ है क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन संभवतः अब मुझे अभी वापस साफ की आवाज़ आ रही है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि आज के इस सेशन, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं या जो भी इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे, उनके लिए पानी को लेकर आपकी क्या सलाह है, वो एक बार आप जरूर बताएं। आरओ से पानी को साफ साफ ये जरूर कर लें, लेकिन निकालते ही घड़े में डाल दें ताकि वो फिर से मिनरलाइज हो सके और आप सच में मिनरल वाटर पिए। जी बहुत अच्छा, बहुत सिंपल तरीके से आपने लेकिन एक बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पानी से जुड़े जितने भी सवाल हो सकते हैं उन सबका जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। बीपी, शुगर, फैटी लिवर जैसी बीमारियों को करें रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें।